भारत में कोरोना की रफ्तार पर अब लगाम लगती नजर आ रही है। लगातार पांचवें दिन कोरोना के नए मामले 1,00,000 से कम रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 70 दिन में सबसे कम यानी 84,332 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,93,59,155 हो गए। इस महामारी से 4,002 और लोगों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या 3,67,081 तक पहुंच गई। फिलहाल इलाज करा रहे मरीजों की संख्या गिरकर 10,80,690 हो गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का 3.68% है। कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 95.07% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 63 दिन के बाद 11,00,000 से कम रही, जबकि 24 घंटे में आए 84,332 नए मामले 70 दिनों में सबसे कम है। संक्रमण की दैनिक दर 4.39% दर्ज की गई। यह लगातार 19वें दिन 10% से कम रही। साप्ताहिक संक्रमण दर भी गिरकर 4.94% तक पहुंच गई है। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार 30वें दिन संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रही। कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 2,79,11,384 तक पहुंच गई, जबकि मृत्यु दर 1.25% है। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि देश में अभी तक दी गई वैक्सीन डोज की कुल संख्या बढ़कर 24,93,00,000 से ज्यादा हो गई है। शुक्रवार को 18 से 44 साल के कुल 19,49,902 लाभार्थियों को पहली खुराक, जबकि इस आयु वर्ग के 32,279 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। शुक्रवार को कोरोना वायरस के लिए 20,44,131 सैंपल्स की जांच की गई। इसी के साथ अब तक कुल 37,42,42,384 सैंपल्स की कोरोना संबंधी जांच की जा चुकी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।